क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड बाय रेजोनेटिंग एयर कॉलम ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 500 हर्ट्ज़ यूज्ड, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज वेरीज एज चेंज द लेवल ऑफ वाटर इन रेजोनेंस ट्यूब, द टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर हर्ड एट एयर कॉलम ऑफ लेंथ 50.7 सेंटीमीटर एंड 83.9 सेंटीमीटर, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो रेजोनेंस ट्यूब में एंड करेक्शंस तो आएगा ही, तो जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट्स में ये रेजोनेंस ट्यूब का जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है L1 होता है, बट जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा और आगे जाके रिलैक्स होता है, तो हम लोग इसको एंड करेक्शन का नाम दे देते हैं E। तो अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाई 4 बनेगी, तो लैम्डा बाई 4 किस बराबर होगी, L1 प्लस E के बराबर हो जाएगी। लेकिन इसमें चूंकि क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर हर्ट्ज, तो जो रेजोनेंस है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ये दिक्कत है। लेकिन इसमें हमेशा ऑड हार्मोनिक ही मिलता है, तो अगर ये दूरी लैम्डा अपॉन 4 है तो जो अगला हायर फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3 लैम्डा अपॉन 4 की आएगी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, और अगला जो आएगा वो 5 लैम्डा अपॉन 4 करस्पॉन्डिंग आएगी, मतलब आपको ऑड मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए इसमें nth टर्म्स हैं, तो फिर ये क्या बनेगा, ये लैम्डा अपॉन 4 का ऑड मल्टीपल बनेगा जो भी लेंथ आएगा, तो ये लैम्डा अपॉन 4 का ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल क्या होता है, 2n-1 या 2n+1, तो मैंने 2n-1 मान लिया ऑड नंबर, तो 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 4, क्यों, क्योंकि ये दूरी लैम्डा अपॉन 4 है, तो अगली जो दूरी है कितनी आएगी, 3 लैम्डा अपॉन 4, अगली 5 लैम्डा अपॉन 4, अगली 7 लैम्डा बाई 4। तो मान लिया कि कोई ऑड nth ऑड चल रहा है नंबर, nth ऑड हार्मोनिक चल रहा है, तब क्या लिखेंगे, 2n-1 लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू L1+E। तो L1 फर्स्ट क्या है, 50.7 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिखा क्या, 2n-1 लैम्डा अपॉन 4 इक्वल टू 50.7 प्लस ई, मैंने ई लिख लिया। और क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि ई हमने लिखा, आखिर ये होना भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट जो आएगा वो लैम्डा अपॉन 4 पे आएगा, अगले के लिए एक इसमें वेवलेंथ आ जाएगा पूरा, तो 3 लैम्डा अपॉन 4, अगला 5 लैम्डा अपॉन 4, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि किस हार्मोनिक की करस्पॉन्डिंग है, तो मैंने मान लिया कि ये 2n-1 है, ऑड हार्मोनिक की करस्पॉन्डिंग है, एक ले लिया डेटा, तो 2n-1 लैम्डा अपॉन 4 इक्वल्स टू फर्स्ट लेंथ इज व्हाट, 50.7 सेंटीमीटर, तो 50.7 प्लस ई, इक्वेशन नंबर 1। अभी जो 83.9 है ये अगला सक्सेसिव है, सक्सेसिव मतलब इस n को बढ़ाना है, तो n जब n+1 कर दीजिए तो ये 2n+2-1, तो 2n+1 मतलब अगर ये 2n-1 वाला है तो इसका अगला सक्सेसिव क्या होगा, 2n+1, घटा के देखिए ना 2 का डिफरेंस आ गया, तो सही बात है कि दो कंजुगेटिव ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो फर्स्ट वाला अगर 2n-1 लैम्डा अपॉन 4 इतना है तो अगला होगा 2n+1 लैम्डा अपॉन 4 इक्वल्स टू दिस 1। अब मैंने इस दो इक्वेशंस में अगर कायदे से देखिए तो इस इक्वेशन से इक्वेशन को घटा दीजिए, जैसे घटाएंगे तो 2n का टर्म 2n से कट जाएगा, और लैम्डा अपॉन 4 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा अपॉन 4 इज लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसको इससे घटाएंगे तो इस e कट जाएगा तो आ जाएगा 33.2। अब यहाँ से लैम्डा की बुलाएगी 66.4 सेंटीमीटर, तो साउंड की स्पीड क्या होगी, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो मैंने बी बराबर एफ लैम्डा लगा दिया, एफ कितना क्वेश्चन में 500 हर्ट्ज दिया गया है, 500 हर्ट्ज देखिए इंटू लैम्डा इज व्हाट, दिस वन पुट कर दिया, वैल्यू आ गई 332 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना, मैंने इसको मीटर में बदल दिया, तो स्पीड इज 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो हमने ऑप्शन ए को मार्क कर दिया। अब बात करते हैं एंड करेक्शन की, वेवलेंथ कितना, अच्छा वेवलेंथ हमने निकाल लिया 66.4 वेवलेंथ, तो आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, द वेवलेंथ इज 66.4। अब एंड करेक्शन बात करना, और ये 50.7 करिस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल हार्मोनिक किसकी करिस्पॉन्डिंग है ये सोचना पड़ेगा। चलिए इसमें देखिए आगे स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि आप एंड करेक्शन कैसे निकालेंगे, और ये करिस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल है कि किसके, ये भी तो समझना पड़ेगा आपको, तो एंड करेक्शन निकालना ये बड़ा मुश्किल वर्क बनता जा रहा है कि कैसे इसको अटेम्प्ट करें। तो मेरे दिमाग ने कहा कि एक काम करते हैं, एक एक करके इटरेशन करके देखते हैं कि क्या होता है।
तो चलिए सबसे पहले अगर हम लैम्डा निकाल चुके हैं, लैम्डा निकाल चुके हैं, तो जो फर्स्ट लेंथ बनेगा, फर्स्ट लेंथ वो कितना बनेगा, फर्स्ट लेंथ जो L1 बनेगा, अगर आपको लैम्डा पता है तो पहला लेंथ कितना होगा, लैम्डा अपान फोर में से E घटाएंगे तब तो आएगा फर्स्ट लेंथ, मैंने घटा दिया। L1 क्या होगा, लैम्डा अपान फोर माइनस E, तो लैम्डा उन्होंने दिया 66.4 अपान फोर माइनस E, तो बन गया 16.6 माइनस E। ये फर्स्ट लेंथ, अगर फंडामेंटल होता तो लेंथ इतना सेंटीमीटर होता जो कि मेजरमेंट कर गया था। सेकेंड पता करते हैं, सेकेंड के लिए L2 क्या होगा, सेकेंड के लिए ये थ्री लैम्डा अपॉन फोर बन जाएगा ना, ये अगला हायर लूप क्योंकि ऑड मल्टीपल चल रहा है, तो अगर ये लैम्डा अपॉन फोर तो अगला क्या होगा, थ्री लैम्डा अपॉन फोर, उसमें से ई घटना पड़ेगा क्योंकि एंड करेक्शन तो आएगा, ई घटा दिया, और ये होना चाहिए 49.8 माइनस ई। क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 66.4, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया लैम्डा की वैल्यू और कैलकुलेट कर दिया आगे वैल्यू इतनी। जो थर्ड लेंथ होगा उसमें ऑड मल्टीपल चलेगा तो फाइव लैम्डा अपॉन फोर माइनस ई बनेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू की 83 माइनस ही। अच्छा आप एक सही से देखिए, अगर इस पूरे में अगर मैं सही से ऑब्जर्व करूँ तो आपको अभी समझ में आएगा एक बात कि उन्होंने कहा है कि 83.9 सेंटीमीटर वो कुछ यहाँ से मैच करता नजर आ रहा है, 83.9 थर्ड के लिए, और जो सेकेंड वाला है वह 49.8 है जो कि यहाँ से मैच कर रहा है, 50.7 से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 83.9 है वो कहीं ना कहीं इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, और 50.7 है वो कहीं ना कहीं इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, इस ई की वैल्यू ऐसे होगी। तो हमने क्या किया, थर्ड वाले डेटा की हेल्प ले लिया, आप इसको भी हेल्प ले सकते हैं, इसका भी हेल्प, आपकी मर्जी है, तो मैंने थर्ड डेटा की हेल्प ले लिया। तो L3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, देखिए 83.9, तो हमने लिखा 83.9 बराबर 83 माइनस ई, ई वैल्यू क्या आ गया, -0.9 सेंटीमीटर, एंड करेक्शन नेगेटिव आ गया, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि द एंड करेक्शन इन द एक्सपेरिमेंट इज 0.9 सेंटीमीटर, तो ये गलत कहा गया है, ठीक है, ये गलत कहा गया, एक्चुअल में माइनस उसको लिखना चाहिए, -0.9 सेंटीमीटर उसको प्लस तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो बी पार्ट तो गलत हो गया, सी पार्ट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज दिस वन, रेजोनेंस ऑफ इतना इज करस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल हार्मोनी, तो 50.7 फंडामेंटल की करस्पॉन्डिंग है क्या, नहीं, क्योंकि फंडामेंटल करस्पॉन्डिंग तो 16.6 माइनस ही होता, ठीक है, और सेकेंड की करस्पॉन्डिंग है मतलब फर्स्ट ओवरटोन की करस्पॉन्डिंग है, तो 49.8 माइनस ही 0.9 इसको प्लेस कर दीजिए, 50.7 बन जाएगा, प्लेस करिए इसमें 49.8 प्लस 0.9, देन दिस वैल्यू इज 50.7 बन गया। तो 50.7 है एक्चुअल में फर्स्ट ओवरटोन के करस्पॉन्डिंग है, या मैं यूँ कहूँगा तो थर्ड हार्मोनिक के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका डी पार्ट नहीं होल्ड करेगा, तो आंसर हो जाएगा ई एंड सी पार्ट, ओके। तो मैं रिपीट कर दूँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लिखा, इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा निकाला, स्पीड निकाला, फिर डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो लेंथ है वो किन के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, मैंने कॉमन सेंस यूज़ किया कि फर्स्ट लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग, सेकेंड लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, थर्ड लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग, और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है इसमें ये 83.9 जो है वो इसके पास दिख रहा है, तो मैंने कहा कि थर्ड इसी पे जा रहा होगा, और इसी को मैंने बराबर कर दिया 83.9 के, कैलकुलेट किया तो इक्वल आ गया इतनी, बट ये निगेटिव आ रहा है जबकि ऑप्शन में पॉजिटिव दे रहा है, तो हमने कहा कि एंड करेक्शन पॉजिटिव नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको लिखना चाहिए -0.9, तो उन्होंने लिखा, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए एंड सी पार्ट, ओके।